Hey, what's up, lovely people? It happens only in Japan. ये वो सारी चीज़ों का कलेक्शन है जो आपको सिर्फ और सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेंगी। ये इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब हैं कि आपको इन्हें देखकर हंसी भी आएगी और आश्चर्य भी होगा। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना। बिकिनी जीन्स, ये अजीबोगरीब ट्रेंड निकला है ब्राज़ील से, लेकिन इसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जापान में। यहाँ पर लड़कियाँ अल्ट्रा लो राइज जीन्स के ऊपर बिकिनी पहनती हैं। दिखने में चाहे वियर्ड लगे, लेकिन लोग इसे पहनते हैं जापान में। आइए देखते हैं नेक्स्ट। रैबिट आइलैंड जापान, एक ऐसा आइलैंड जो पूरी तरीके से रैबिट्स यानी खरगोशों से भरा पड़ा है। सुनने में काफ़ी ज़्यादा फिक्शियस लगता है, लेकिन यह रियल है। दरअसल वर्ल्ड वॉर टू के दौरान कुछ रैबिट्स को यहाँ पर सीक्रेट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट तो कैंसिल हो गया और रैबिट को ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया। उसके बाद रैबिट्स ने इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा ली और आज ये पूरा आइलैंड खरगोशों से खचाखच भरा पड़ा है। कैप्सूल होटल्स, अगर आप थके हुए हैं और आपको सस्ती कीमतों पर एक अच्छा सा रूम चाहिए जापान में, तो आपके लिए पेश है कैप्सूल होटल रूम्स। आपको जापान की राजधानी टोक्यो में इस टाइप के कई होटल्स नज़र आ जाएंगे। ये होटल्स काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं और कैप्सूल की तरह दिखने वाले ये रूम आपको बहुत ही सस्ती कीमतों में प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो प्राइस कॉन्शियस होते हैं। जापान में दुनिया का सबसे ज़्यादा वियर्ड म्यूजियम भी है। आपको शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये है टॉयलेट म्यूजियम। यहाँ पर टॉयलेट से रिलेटेड सारी ही चीज़ें बड़े बड़े साइज में रखी हुई हैं। यहाँ पर बच्चे बूढ़े सभी लोग आते हैं और टॉयलेट से रिलेटेड चीज़ों को निहारते हैं। क्या आप जाना चाहेंगे यहाँ? कमेंट करके ज़रूर बताना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पालतू जानवर आज की लाइफ में हर किसी के ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन जापान में अगर मैं आपसे कहूँ कि पालतू जानवरों की तरह रोबोट का यूज़ हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, जापान में रोबोट्स ने पालतू जानवर की जगह ले ली है। फिर चाहे डॉग हो या कैट, सभी टाइप के रोबोट्स आपको मिल जाएंगे, और इनकी प्रोग्रामिंग इस टाइप से की गई है कि ये आपको असली जानवर की कमी नहीं लगने देते। अगर आप भी कोई फूड वेंडर हैं, तो आपको पता है कि डिस्प्ले में जो चीज़ें हम रखते हैं अक्सर वो ख़राब हो जाती हैं, लेकिन हमें तो उन्हें बेचना होती है कस्टमर्स को। इसका सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है जापानीज़ लोगों ने। ये आर्टिफिशियल चीज़ें प्लास्टिक से बनाते हैं और उनको डिस्प्ले में रखते हैं, ताकि डिस्प्ले का डिस्प्ले हो जाए और वो चीज़ ख़राब भी ना हो। जापान में डबल टीथ यानी कि डबल दांत होने को लोग अपनी खूबसूरती से जोड़ते हैं, स्पेशली लड़कियां। अगर आपका केनियन टीथ डबल है, तो आप ज़्यादा खूबसूरत हैं, और उसके लिए लड़कियां कई धक्रम करती हैं, अलग से सर्जरी करवा के नकली टीथ भी लगवाती हैं। यह सिर्फ जापान में ही होता है। अगर आप आइसक्रीम के शौकीन हैं और अलग अलग फ्लेवर ट्राई करना चाहते हैं, तो जापान सबसे बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर आपको नूडल्स, हॉर्स मीट, बियर, इस टाइप के फ्लेवर भी आइसक्रीम में देखने को मिल जाते हैं। आई थिंक आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे हाईटेक देश जापान को ही कहा जाता है, इसलिए अगर आप जापान के टॉयलेट का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको तैयार हो जाना चाहिए। ये इतना ज़्यादा टफ है मानो कि एक एरोप्लेन को उड़ाना, क्योंकि इसमें एक रिमोट कंट्रोल टाइप का डिवाइस आपको दिया जाता है, जिससे सारे ही फंक्शंस टॉयलेट के काम करते हैं, जैसे आपने इसे देखा ही होगा इस वीडियो में। अगर आप जापान में बच्चे के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, या फिर प्रेग्नेंट हैं, या फिर लेडीज़ हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई आपको अपनी सीट ऑफर करेगा, क्योंकि जापान में ये कल्चर नहीं है। जापान में सिंपल सा रूल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि पहले आइए पहले पाइए। जापानीज़ लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो थक के रास्ते में सो भी जाते हैं, इसलिए अगर उनको नींद आ जाती है, तो वो एक स्पेशल गैजेट का यूज़ करते हैं, जो आप इस वक्त देख ही रहे होंगे। अगर आप कोई टॉय ट्रेन चलाना चाहते हैं, तो जापान चले जाइए, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जिसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ की ट्रेन पाई जाती हैं। फिर चाहे बुलेट ट्रेन हो, या फिर डबल डेकर, या फिर कार्टून पेंटेड ट्रेन, सभी टाइप की ट्रेन्स आपको जापान में देखने को मिल जाएंगी। तो ये थी सारी वो चीज़ें जो होती हैं सिर्फ जापान में। थिंग्स हैपन्स इन जापान ओनली। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, अगर इसके अलावा और कुछ भी जानते हैं आप जापान के बारे में। तो
तो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।